द्वारका के एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन करने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में लगी सिविल डिफेंस की टीम से हर खबर की टीम ने बात की। सर, जैसे आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आए, एसडीएम ऑफिस का उद्घाटन करने आए, तो जैसे आपकी भी टीम यहाँ पे आई हुई है, कितनी टीम आई हुई है आप लोगों की यहाँ पे? हमारे यहाँ 250 वॉलेंटियर यहाँ इस टाइम आए हुए हैं, जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो निष्काम सेवा करते हैं। जब भी हमारे सीएम या कोई भी रेवेन्यू का इस तरह का जो डिपार्टमेंट होता है, काम होते हैं, तो हम निष्काम सेवा करते हैं सब सिविल डिफेंस से रिलेटेड। कोई भी डिजास्टर हो जाए या कोई भी इस तरह लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम सब लोग यहाँ सेवा करते हैं। तो सर, जैसे आपकी टीम आई हुई है, इसमें टीम में जो आपके लोग हैं वो मैन कौन कौन है, उनका नाम बताऊंगे थोड़ा? हमारे लोग, हमारे ICDs हैं, हमारे SDM साहब सीनियर चीफ वार्डन हैं मिस्टर असगर अली, और डिप्टी चीफ वार्डन रमेश चंद सोलंकी नजफगढ़ से हैं, रामपाल सोलंकी डिप्टी चीफ वार्डन द्वारका से हैं, पोस्ट वार्डन रविंदर हैं, पोस्ट वार्डन पवन सैनी हैं, पोस्ट वार्डन वो रवि है, और पोस्ट वार्डन संदीप है। मतलब हमारी एक लेवल कमेटी होती है, पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, डिवीजन वार्डन, डिवीजन वार्डन, डिप्टी, ऐसे करके सीनियर चीफ वार्डन से लेके HAP मेंबर तक हम यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद सोलंकी है। रमेश चंद सोलंकी जी, जैसे आप लोगों की यहाँ पे टीम आई हुई है, मैं देख रहा कि हर जगह आप लोगों के ही यहाँ पे आदमी नज़र आ रहे थे, दिल्ली पुलिस के कम आप लोगों के ज़्यादा, तो क्या फैसिलिटी आप लोग स्पेशल यहाँ दे रहे हैं? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ इन बच्चों को, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मन में एक देश की सेवा करने की भावना है, ये वो इसी भावना से ये लोग काम करते हैं, और इनको आज वॉलंटरी बुला रखा है, इनको कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगी। जैसा कहीं भी कोई भी इस तरह की ड्यूटी लगती है तो ये लोग सारे के सारे मतलब उसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। अच्छा सर, इन लोगों को आप पहले कुछ ट्रेनिंग देते हो या वैसे ही ये बच्चे आते हैं आपके यहाँ? सबसे पहले हम लोगों को इनको जो सिविल डिफेंस में नागरिक सुरक्षा में भर्ती करते हैं, उसके बाद इन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। वो बेसिक ट्रेनिंग में इन लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग समझाया जाता है, फर्स्ट एड, फायर, रेस्क्यू के बारे में सब चीज़ें बताई जाती है, ताकि ये और दूसरे आम जो नागरिक हैं हमारे, उनसे थोड़े हटके और उनसे ऊपर रहेंगे, थोड़ा अनुशासन भी इनको हम लोग वहाँ सिखाते हैं। दोबारा कोई तो राजा नहीं है।